गुड मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। टूडे वी विल डिस्कस अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन्स फॉर द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। यहाँ पर गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए कहा गया है जिनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, जो ईजिली चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने एक बार चीज़ पढ़ ली, एक बार कंसेप्ट पढ़ लिया तो उन्हें जो है वो उसी टाइम पर याद हो जाता है और दोबारा कभी भी वो नहीं भूलते, एज इट इज़ जो है वो सुना देते हैं या लिख देते हैं। तो यही क्या है, एक तरह का गिफ्टेड चिल्ड्रन ही इन्हें कहा गया है। और इन सब के लिए जो है उन्होंने एसोसिएशन, एबिलिटी ग्रुपिंग और स्पेशल क्लासेस की कुछ प्रोविजंस बताई गई हैं, जिससे जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैं उनकी और ज़्यादा हेल्प हो सके और जो बच्चा है उसकी और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। तो इसमें सबसे पहला एसोसिएशन क्या है, इसमें उन्होंने बताया गया है कि बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है कि कैसे जो है उसकी प्रोग्रेस हो रही है, फास्टर रेट में हो रही है या फिर दूसरी, तो उससे हमें पता चलता है बच्चे का IQ कैसा है। सबसे पहला है द चाइल्ड इज़ चैलेंज्ड बाय एडवांस्ड वर्क, उसे जो है पहले का ही काम दे दिया जाता है। जैसे कि हम बात करें कि इंटेलिजेंस की, अगर हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस के बाद हमने कंसेप्ट इम्पोर्टेंस उसी टाइम जो है पूरा कर लिया, पूरा पार्ट जो उसी टाइम लर्न कर दिया, ये क्या है, एक तरह का एडवांस्ड वर्क। या कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अगली क्लास का भी जो है उसे, अभी वो छोटी क्लास में होते हैं लेकिन अगली क्लास का भी कुछ कंसेप्ट जो है उन्हें पता होते हैं और पिछले के भी वो हमेशा याद ही रखते हैं, भूलते नहीं हैं। वैसे जो है उनको एडवांस वर्क दिया जाता है कि वो पहले जो आने वाला काम है वो भी वो कर ले। तो एक तरह के गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। इससे होता क्या है, टाइम, बच्चे की टाइम जो है उसकी सेविंग होती है, एनर्जी सेविंग होती है, इसी तरीके से पेरेंट्स और स्कूल की भी एनर्जी और टाइम सेव होता है। जब बच्चा जो है जल्दी जल्दी काम करेगा, एडवांस वर्क भी कर लेगा, तो एक तरह से ये स्कूल का भी टाइम और एनर्जी सेव होगा इससे। नेक्स्ट है इन लास्ट गिफ्टेड चिल्ड्रन एम्बार्क्स हिज कैरियर, उसके बाद जो पूरा उसने एक तरह से समझ लिया, लास्ट गिफ्टेड चाइल्ड एम्बार्क्स हिज कैरियर, तो इससे क्या होता है, बच्चे के जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उसकी इंटेलिजेंस बढ़ती है और बाद में उसको वोकेशन प्रोवाइड हो जाता है। मेन जो है बच्चों को इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि उनको वोकेशन प्रोवाइड हो सके, उनकी स्किल्स जो हैं वो और बढ़ सके। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनको और एडवांस वर्क करवाया जाता है ताकि उनकी और डिवेलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है एबिलिटी ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या है, इस सबसे पहले ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं, ताकि बच्चों को साथ में मिलके रहना, कॉपरेट कैसे करना है दूसरों के साथ, कैसे दूसरों के साथ बिहेव करना है, ये सब आए। तो इसीलिए क्या है, इंडिविजुअल टर्म में भी और ग्रुप टर्म में भी कैसे रहना है उन्हें ये सिखाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रुपिंग शुड बी इन टर्म्स ऑफ द पर्पस ऑफ द चाइल्ड। ग्रुपिंग क्यों की जाती है, कि सेम वर्क है सभी मिलके इकट्ठे कर लें, इसीलिए की जाती है। ग्रुप जो है वो छोटा होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं इजीली इंटरेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है इससे क्या होता है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती हैं ताकि वो दूसरे जो हैं बच्चे, पीर ग्रुप जो उनका है उनसे बात अच्छे से कर पाते हैं। तो ये सब जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन के डिवेलपमेंट के लिए, उनके एडवांस वर्क के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इसी तरीके से इनरिचमेंट, जिसमें स्पेशल एडजस्टमेंट की जाती है कि बच्चा जो है उसने कंसेप्ट कर लिया है, अब उसको डीप नॉलेज भी हो, ठीक है, ताकि वो डेप्थ की स्टडी करे, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। इसीलिए जो है डीप नॉलेज करवाई जाती है उसको, अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छे से, प्रैक्टिकल वर्क उसको ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाता है, उसको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं और गुड बुक्स जो हैं उसे प्रोवाइड की जाती हैं, लेबोरेटरी जो हो गई, लाइब्रेरी वगैरह हो गई, उसके लिए जो है बनाए जाते हैं ताकि वो लाइब्रेरी में ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ सकें। लाइब्रेरी जो है इसीलिए बनाई गई है ताकि बच्चों की डेवलपमेंट हो सके, गिफ्टेड चिल्ड्रन जो हैं चाहे दूसरे लो लेवल के भी बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ सकें, और इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करके वो लेबोरेटरी से सीख सकें। मोनिटर सिस्टम भी जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मोनिटर सिस्टम में जो है इंटेलेक्चुअल डिवेलपमेंट होती है बच्चों की, ताकि जो लेस एबल चिल्ड्रन हैं जिन्हें कम समझ आता है या लो IQ वाले भी हैं वो भी समझ पाएँ कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि हमें वही चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही होती है लेकिन जो हमें फ्रेंड ने समझा दी वो हमें इजी लगती है और हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी जो इंट्रैक्शन होती है तब हमें अच्छे से समझ आ सकता है। तो इसी तरीके से आज हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस के बारे में जाना गिफ्टेड चिल्ड्रन की। सबसे पहले एसोसिएशन है, सेकंड है एबिलिटी ग्रुपिंग एंड थर्ड है इनरिचमेंट। और ये सब क्यों किए गए हैं, ताकि बच्चों को जो है स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड की जा सके उनकी इनरिचमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।